फेंट लेती हूँ और पानी जितनी डालनी है वो डाल लेती हूँ। यहाँ पे मैं पानी डाल दी हूँ जितना मुझे डालना था और इसे अच्छे से फेंट दी हूँ ताकि ये लम्स फ्री हो जाए। अब इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक बाद में भी हम टेस्ट करके चेक कर लेंगे कम या ज़्यादा या जो भी है। नमक ऐड कर दी हूँ। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये अदरक लहसुन जो कूट के रखी है हमने, तो आधी ऐड करूँगी। साथ ही यहाँ पर ऐड करूँगी चॉप की हुई प्याज और ऐड करूँगी मैं हरी मिर्ची जो कट करके रखी हूँ, थोड़ी सी डालूँगी क्योंकि कूटी हुई थी थोड़ी सी। अब मसालों में ऐड करूँगी सबसे पहले यहाँ पर हल्दी। हल्दी अगर कम होगी तो बाद में भी डाल दूँगी मैं। ये कलर वाली मिर्ची, ये मसाले आप अपने अंदाज से डाल सकते हैं। ये धनिया पाउडर, साथ ही यहाँ पर है ज़ीरा पाउडर। यहाँ पर अब ऐड करूँगी कसूरी मेथी और इसे मिक्स करके और गैस पे भी मैं चढ़ाऊँगी। इसे 40 मिनट्स तक मैं कढ़ाऊँगी। फिर कढ़ने के लिए मैं चढ़ा दी हूँ कढ़ी को, चलाती रहूँगी साथ साथ। हो रही है ऑयल गर्म और ये है बेसन। अब बेसन का मैं बैटर बनाती हूँ। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक थिक बैटर का घोल बना लेती हूँ। पहले फिर क्या क्या ऐड करूँगी वो दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं ऐड किया अदरक लहसुन का पेस्ट और मिर्ची का पेस्ट जो थोड़ा सा मैं उड़ के रखी थी। साथ ही यहाँ पर हल्दी ऐड करूँगी, कलर वाली मिर्ची ऐड करूँगी यहाँ पर, और थोड़ी सी धनिया जीरा पाउडर। इससे जो पकौड़ियाँ होती हैं बहुत टेस्टी बनती हैं। और नमक ऐड कर लूँगी सबसे पहले। ये है नमक स्वाद के अनुसार। अब मैं इसमें ऐड करूँगी अजवाइन जो कि हाफ टी स्पून है। इसे अब हम मिक्स कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अभी हम जो गरम ऑयल है वो यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसे अब हम मिक्स कर देते हैं। थोड़ा सा तेल ठंडा होने देते हैं। फिर यहाँ पे मैं बेसन का बैटर बना लिया अच्छे से और पकौड़ियाँ तलने के बाद मैं जो एक तड़का लगाऊँगी सारे कच्चे अदरक लहसुन मिर्ची प्याज में कढ़ी में डाली थी जो कि यहाँ पर कट रही है। और तड़के में क्या क्या डालूंगी मैं, सबसे पहले तेज पत्ता है 3-4, 2-3 सूखी लाल मिर्च, मेथी, सूखी धनिया जो कुटी हुई है, सरसों, जीरा, सौंफ, कलौंजी, ये तड़के में जाएगी। और बाद में उसमें ऐड करेंगे हम ये कसूरी मेथी, हरी धनिया ऊपर से ऐड करेंगे और ये है हींग, हींग ऐड करेंगे। तो ये हमारी तड़के का सामान है। तो हम पकौड़ियाँ बनाएंगे, बिल्कुल लूज बैटर बनाई हूँ, इससे बहुत सॉफ्ट पकौड़ी बनेगी। इसे मुझे शायद स्पून से इसमें ऐड करने होंगे। तो रात डिनर में कढ़ी चावल बनी थी और बस बनाने बनाने कहीं मैं सूट की थी, उससे आगे मैं कुछ भी सूट नहीं की थी और उससे आगे नेक्स्ट डे की वीडियो है। इन्हें पकौड़ियों को कर लेती हूँ फटाफट से, थोड़े से ऑयल और लाल करके निकालूंगी इसे मैं। हमारे घर में ना कढ़ी चावल सबको बहुत पसंद है, या रोटी के साथ में खा लेंगे, पराठे के साथ में सभी को बहुत पसंद है, क्योंकि 2-3 दिन पहले भी बनी थी कढ़ी और अभी फिर से बनी है कढ़ी। यहाँ पे सारी पकौड़ियाँ तल चुकी हैं। इस ऑयल में मैं पकौड़ियों को तली थी और ऑयल को कम कर ली हूँ, इसी में मैं लगाऊंगी तड़का। के लिए ऐड करूँगी तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और जो सूखे साबुत मसाले थे वो ऐड करूँगी और इसे हम अच्छा सा ब्राउन करेंगे भून करके। अभी ये भूनने में लगेंगे टाइम थोड़ा सा। तो यहाँ पे सूखे मसाले भून चुके हैं और मेथी को काला नहीं करना वरना ये कड़वी लगेगी। साथ ही यहाँ पर हम ऐड करेंगे कसूरी मेथी थोड़ी सी और ऐड करेंगे हींग। इसे मिक्स करेंगे और मिक्स करते हैं इसमें हम ऐड कर देंगे जो अदरक लहसुन मिर्ची है और प्याज है, इसे अच्छा सा हम भूनेंगे और हल्का ब्राउन होने देंगे इसे। अभी 1-2 मिनट तक अच्छे से भुनेगी तो पहले भून लेते हैं इसे। यहाँ पर हम ऐड करेंगे थोड़ी सी नमक इस मसाले को भूनने के लिए। ये भून चुकी है तो इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी हल्दी, बिल्कुल 2 पिंच, थोड़ी सी काश्मीरी लाल मिर्च जिससे कलर अच्छी आएगी, और जीरा पाउडर। इसे चलाएंगे और फिर कढ़ी धीरे धीरे इसमें ऐड कर देंगे हम। तो यहाँ पे मैं हरी धनिया ऐड कर दी हूँ। कढ़ी हो चुकी है, 5 मिनट और कढ़ाऊँगी बस हो जाएगी, और ठंडी होने पे थोड़ी गाढ़ी भी हो जाएगी। तो देख सकते हैं काफ़ी गाढ़ी है ये, और गाढ़ी होगी। और यहाँ पर मैं चावल चढ़ा दी हूँ।
यह आ चुकी है नेक्स्ट डे। यहाँ पे प्याज, शिमला मिर्च और गाजर कटी हुई है, इसमें लहसुन कटी हुई है, थोड़ी सी अदरक ग्रेट की हूँ मैं, और एक हरी मिर्च तीखी वाली, और साथ ही यहाँ पर सॉस है जिसमें कि टमाटो सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस और सोया सॉस है। तो इसे हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मैं पास्ता में एक विजल लगा ली थी और ये अच्छे से बॉईल हो चुकी है। इसमें मैं स्वीट कॉर्न भी साथ ही बॉईल कर ली थी। तो सबसे पहले यहाँ पे लहसुन ऐड कर रही हूँ, साथ ही अदरक और हरी मिर्च भी ऐड करेंगे, इसे हल्का ब्राउन करेंगे। तो यहाँ पे अच्छे से ब्राउन हो चुकी है, तो शिमला मिर्च, गाजर और प्याज ऐड कर देंगे साथ में। तो हम इसे भूनने में रखते थे, थोड़ी सी नमक ऐड करेंगे। यहाँ पे नमक ऐड कर दिए, तो जिसे हम भून लेते हैं, हाई फ्लेम पर इसे भूनेंगे, तो इसे कैंसिल में से रखनी है। तो ये अच्छे से भून चुकी है, अब इसमें ऐड करेंगे हम पास्ता और बॉइल हुई कॉर्न। यहाँ पे मैं नमक ऐड कर दूँ पास्ता के हिसाब से, और साथ में यहाँ पर मिक्सअप ऐड करूँगी। यहाँ पे हम सॉस को ऐड करेंगे, यहाँ हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, बस ये भून जाएगी, 30 सेकंड में हो जाएगी रेडी। चलिए तो इसे हम करते हैं प्लेटिंग, मतलब निकाल लेते हैं उसके बाद। तो यह हमारी पास्ता बन चुकी है, ये दो तरह की है, बिना सॉस वाली है। ये बनाने के बाद बाद में मैं सॉस ऐड कर दी थी, और ये ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो ये वाला एक ट्राई कीजिएगा, आप लोगों को पसंद आएगी। तो अभी पास्ता खाऊंगी, पास्ता खाने के बाद जाकर के कपड़े को धुल करके डालूंगी सूखने के लिए, वॉशिंग मशीन में डले हुए कपड़े। तो वेडनेसडे बेटा स्कूल नहीं गया था, वो घर पर ही था, कि हस्बैंड दिल्ली से बाहर गए हुए थे, तो वो लेट नाइट आए थे रात में, तो इस वजह से मैं स्कूल नहीं भेजी थी उसे। और ये हमारा ब्रेकफास्ट में हम लोगों ने नाश्ता बनाया था, और शुरू हो गई है 60% बारिश दी हुई है आज, और यहाँ कपड़ा वगैरह मैं सब कुछ डाल चुकी हूँ, बारिश हो रही है। और आज है वेडनेसडे, हस्बैंड आए नहीं, बाहर गए हुए हैं, रात तक आ जाएंगे। तो चलिए अब जाती हूँ नीचे और थोड़ा आराम करती, फिर वीडियो अपलोड करूँगी वॉइस ओवर डाल करके। और ये वो साड़ी है जो मैं जन्माष्टमी के दिन पहनी थी, बहुत जल्दी सूख जाती है, बहुत हल्की है, आई थिंक 150-200 ग्राम इसका वेट ही होगा। ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मैं अभी खाऊँगी मावा पाक, आधा घंटा रेस्ट करूँगी, वीडियो एडिट करूँगी, फिर वीडियो अपलोड करूँगी। यहाँ दोपहर में खा रहे हैं रात की कढ़ी और चावल, कड़ी ज़्यादा करके बनाई थी कि आज भी हो जाएगी। मैं कर रही हूँ एडिटिंग, कपड़े रखे हैं फोल्ड करने के लिए, और बाहर हो रही है काफ़ी तेज वाली बारिश, एकदम घनी बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। तो बाल कैसी लग रही है, मैं ऐसे राउंड 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 कर्ल कर दी हूँ इस तरह से। मैं हेयर स्टाइल को ही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। यहाँ आ चुकी है नेक्स्ट मॉर्निंग, मीन्स थर्सडे हो चुकी है, और यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी की भुजिया। तो यहाँ पे बना रही हूँ प्याज और मसाले वाली भिंडी, और ये बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है, हस्बैंड को सबसे ज़्यादा पसंद है ये भिंडी। थोड़ी सी हाई फ्लेम पर इसे और बनाऊंगी, और ये बहुत ही रेडी हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं नाश्ता निकाल ली हूँ अपना सुबह का ब्रेकफास्ट, तो पराठा और प्याज वाली भिंडी की मसाले वाली भुजिया बनाई हूँ, और दही के साथ में खांड ली हूँ। तो यही भी मैं नाश्ता करूँगी, उसका फिर वीडियो एडिट करके अपलोड करूँगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, कैसे आप सभी, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तभी नाश्ता करूँगी, उसका वीडियो एडिट करके अपलोड करूँगी, देखती हूँ कितना टाइम लगेगा, क्योंकि जन्माष्टमी वाली वीडियो मुझे अपलोड करनी है, और आज है थर्सडे, तो टाइम काफ़ी लगेगी, क्योंकि 2-3 मोबाइल में सूट हुई थी इस वजह से। तो चलिए पहले फटाफट से नाश्ता करती हूँ मैं।
तो जन्माष्टमी वाली वीडियो एडिट करने में काफ़ी टाइम लग गई, तो दिन में कुछ भी मैं सूट नहीं की। अब डिनर मैं क्या बना रही हूँ वो आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सोयाबीन आलू को मैं बॉईल की थी, उसमें हल्दी नमक डाल के दोनों को अलग अलग फ्राई करके सैलो फ्राई करके निकाल ली थी। अब यहाँ पे मस्टर्ड ऑयल ली हूँ, मस्टर्ड ऑयल में जीरा तेज पत्ता डाली हूँ और अदरक लहसुन जो ग्रेट करके रखी थी वो, प्याज और एक हरी मिर्च को तोड़ करके ऐड की हूँ। अब इसे हल्का ब्राउन करके भूनूंगी। तो यहाँ पे मैं प्याज को जल्दी पकने के लिए थोड़ी सी नमक ऐड करूँगी, प्याज के अनुसार नमक ऐड करने का, जिसे हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे और हल्का ही ब्राउन होगी ये, हल्का सा पिंक कलर आएगी। तो इसमें हम टमाटर जो दो छोटे छोटे से कट करके रखी हूँ वो दो टमाटर को इसमें मैं ऐड करूँगी और ढक दूँगी, और टमाटर तुरंत ही गल जाएगी, उसका फिर हम मसाले ऐड करेंगे। यह टमाटर मिक्स करने के बाद इसे हम ढक देंगे और टमाटर तुरंत ही दो मिनट में गल जाएगी। और ये कुछ मसाले हैं, हल्दी, लाल मिर्ची, धनिया जीरा पाउडर, थोड़ा सा चिकन मसाले और कसूरी मेथी है, यही मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। और यहाँ पे मैं सोयाबीन और आलू को बॉईल करके रखी थी और उसे हल्दी नमक डाल करके हाई फ्लेम पर लाल करके भून ली हूँ। और यहाँ पे जो टमाटर है गल चुके हैं, तो इसमें हम ऐड करेंगे मसाले जो मैं निकाल के रखी हूँ प्लेट में। पहले इसे मैं मिक्स कर लेती हूँ और दिखाती हूँ कि टमाटर कितने अच्छे से गल चुके हैं। तो देखिए टमाटर यहाँ पे अच्छे से गल चुके हैं सारे, इसी में हम मसाले ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम पे थोड़ा सा हम इसे भुनेंगे एक दो मिनट के लिए। उसके बाद फिर सोयाबीन आलू के साथ में भी हम इसे भुनेंगे। यहाँ पे मैं सारे मसाले इसमें ऐड कर दी हूँ और इसे मिक्स करेंगे और भुनेंगे थोड़ी देर के लिए। उसके बाद सोयाबीन और आलू भी इसमें हम मिक्स कर देंगे और हाई फ्लेम पर दो से तीन मिनट के लिए भुनेंगे, ज़्यादा इसे हम भुनेंगे नहीं। और थोड़ी सी पानी भी ऐड करें जिससे मसाले अच्छे से भुने, और फिर कुकर में भी डाल करके और कढ़ाई में थोड़ी सी पानी बॉईल करेंगे, उसके बाद कुकर में ऐड करेंगे और एक विसल लगाएंगे और हमारी सोयाबीन की सब्ज़ी बन करके रेडी हो जाएगी। और हस्बैंड को बहुत पसंद आई थी सब्ज़ी सोयाबीन की, क्योंकि वो नॉनवेज खाते नहीं हैं तो उनको सोयाबीन पसंद भी है इस वजह से, और बेटे को भी पसंद है, मुझे उतना पसंद नहीं है, बट मैं खा लेती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं खाती हूँ। तो यहाँ पे सोयाबीन की सब्ज़ी बहुत ही अच्छे कम मसाले में मैं बनाई थी और अच्छी बनी थी। तो इस तरह से आप भी ट्राई कीजिएगा, आपको पसंद आएगी। और इसके बाद फिर मैं रोटियाँ बनाई थी फटाफट से और फिर हम लोग डिनर किए थे। तो यहाँ पे मैं ढक दूँगी सब्ज़ी को ताकि वो अच्छे से और मसालों के साथ में भून जाए एक दो मिनट के लिए। उसके बाद इसे मैं अब कुकर में ट्रांसफ़र करूँगी और कढ़ाई में पानी गर्म करूँगी हाफ ग्लास के अराउंड, और पानी गर्म करने के बाद बॉईल करने के बाद कुकर में ऐड करूँगी और एक विसल लगाऊँगी और बाद में हरा धनिया ऐड कर लूँगी और हमारी जो सोयाबीन आलू की सब्ज़ी है बन करके रेडी हो जाएगी। यहाँ पे मैं पानी ली हूँ गर्म करने के लिए और इसे बस हल्का सा गर्म करेंगे सारे मसाले जो लगे हुए हैं कढ़ाई में, इसमें अच्छे से बॉईल हो जाए, उसके बाद फिर हम कुकर में ऐड कर देंगे। अगर नमक ऐड करना हो तो हम नमक इसी टाइम पे ऐड करेंगे, बाद में भी ऐड कर सकते हैं, बट मैं नमक पहले ही जब मसाला ऐड की थी तभी थोड़ा सा नमक ऐड की थी और बाकी पहले तो नमक ऐड की ही थी। और यहाँ पे मैं एक विसल लगाने के लिए कुकर का लिड लगा के रख दी। सारा सब्जी आया है और ये आया है देसी पटल, इसका सूखा सब्जी बनेगा, ये है करेला, करेला का सब्जी बनाएंगे, और बरबट्टी, लौकी, भिंडी सबको फ्रिज में रख देते हैं। यहाँ पे एक और सब्जी थी, ये है मेरी फेवरेट सब्जी, और ये कौन सी सब्जी है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा मुझे, जो बनाते होंगे उन्हें तो पसंद ही होगा ये सब्जी, पता है ना, उसके लिए और ज़्यादा अच्छा है, तो ये खाना चाहिए। इसकी सब्जी मैं शेयर करूँगी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये पपीता, पपीता और आलू की सब्जी, चिकन को भी फेल कर देगा ये सब्जी। तो यहाँ पे मैं सब्जियों को रखने के बाद मैं रोटियाँ बना ली थी क्योंकि हस्बैंड गए थे नहाने के लिए, तो फटाफट से मैं यहाँ पे डिनर सभी के लिए लगा रही हूँ और सभी के लिए सोयाबीन आलू की सब्जी और रोटी लगाई थी, और सुबह की जो भिंडी मसाले वाली थी प्याज के साथ में वो मैं अपने लिए निकाल ली थी। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, लाइक कमेंट से सब्सक्राइब कीजिएगा, जो नए हैं बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुँचे। सर बहुत दर्द है, अचार खाने से शायद थोड़ा ठीक हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।